हेलो फ्रेंड्स, आज जो मैं ये वाली वीडियो बना रहा हूँ वो पीटीई रिगार्डिंग है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स को पता होगा कि पीटीई का मीनिंग है पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश। मैंने ऑलरेडी 4-5 वीडियोस बना रखी है पीटीई रिगार्डिंग, लेकिन वो सभी वीडियोस इंग्लिश में है। तो आज मैंने सोचा कि मुझे एक वीडियो हिंदी में बनानी चाहिए, ताकि जो बिगनर्स हैं, जो इंग्लिश पूरी तरह समझ नहीं सकते, तो उनको पता चल सके कि पीटीई आखिर है क्या। आपने देखा होगा कि बहुत सारे सेंटर्स जैसे आयल्स सेंटर और भी सेंटर है, वो पीटीई नाम से डराते हैं स्टूडेंट्स को, लेकिन ऐसी कोई भी बात नहीं है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने 3 बार पीटीई टेस्ट दिया हुआ है और 2-3 बार आयल्स का टेस्ट भी दिया हुआ है, और मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि पीटीई बहुत इजी है एज़ कम्पेयर टू आयल्स। बेसिकली मैं एक टीचर हूँ, तो मुझे स्टूडेंट की मेंटेलिटी का थोड़ा आइडिया है कि स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं पीटीई टेस्ट के बारे में। आज हम पीटी टेस्ट के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्टली मैं आपको कुछ एडवांटेजेस बताना चाहता हूँ पीटी टेस्ट की एज़ कम्पेयर टू आयल्स। फर्स्टली जैसे हम देखते हैं कि आयल्स में डेट लेना बहुत मुश्किल काम है। आपको अगर डेट लेना चाहते हो टेस्ट की, तो आपको मिनिमम 1 मंथ की वेट करनी पड़ती है, लेकिन पीटीई में ऐसा नहीं है। आप 2 या 3 दिन पहले भी पीटीई टेस्ट बुक करवा सकते हो, और उसके बाद आपका रिज़ल्ट विद इन 5 डेज़ में आ जाता है, और विद इन 5 डेज़ आर मैक्सिमम। इन 90% केसेस आपका जो रिज़ल्ट है वो नेक्स्ट डे ही आ जाता है। तो सेकंड, ये तो फर्स्ट एडवांटेज होगी, और सेकंड पीटीई की एडवांटेज ये है कि इसमें हमने बहुत बार देखा है कि आयल्स में क्या होता है कि आपके बैंड आगे 7-7-7 एंड एक जो मॉड्यूल में 6.5। तो ऐसा माना जाता है कि आयल्स कुछ बिजनेस तरह बिजनेस कर रहा है, लेकिन ऐसा पीटीई में नहीं है। जो आप जो टेस्ट अटेम्प्ट करोगे, जितनी आप में इंग्लिश है आपके उतने ही स्कोर आएंगे। आई मीन कि आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे कभी भी। तो मैंने 2 साल तक रिसर्च की है इस टेस्ट में। तो इसमें टेस्ट में क्या है, कैसे स्कोर्स मिलते हैं, कैसे हम स्कोर्स अपने इंक्रीज कर सकते हैं, बिकॉज ये कंप्यूटर रिलेटेड, टोटली कंप्यूटर रिलेटेड टेस्ट है। आपका सारा का सारा टेस्ट कंप्यूटर पे होता है, तो इसमें थोड़ा ये भी है कि हम कंप्यूटर को चीट कर सकते हैं। इसमें ये एज आ आयल्स, इसमें 4 मॉड्यूल्स हैं, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग एंड लिसनिंग। ये पीटी जो टेस्ट है, इसके टोटल नंबर से 90, जैसे आयल्स में 9 से बैंड आते हैं, इसके 90 से स्कोर आते हैं, 90 से 60-50 लाइक दिस। तो जैसे हम कहते हैं कि आयल्स में 6 बैंड, तो इसमें क्या होता है, 90 से अगर 50 आ गया, 90 आउट ऑफ 50 आपके स्कोर आ गए, तो आपके 6 के इक्वल हैं। तो ये तो होगी सेकंड बात, और थर्ड ये है कि ये जो पीटीई है, ये बेसिकली ऑस्ट्रेलियन कंट्री, ऑस्ट्रेलिया द्वारा कंडक्ट किया जाता है टेस्ट, और ये पीटीई ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, टीआर एंड स्टडी वीज़ा के लिए वैलिड है, एंड इन यूके भी बहुत सी यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट कर रही हैं, और कनाडा भी बहुत 70 यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट कर रही है अभी पीटीई इन 2017। तो चलो अब हम बात करते हैं पीटीई टेस्ट के बारे में। पीटीई बेसिकली, जैसे मैंने पहले ही बताया आपको कि पीटीई 4 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, स्पीकिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड रीडिंग। जो इसकी स्पीकिंग है वो
कंप्यूटर पे होती है उसको आके डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है स्पीकिंग में। तो आज ये वाली वीडियो मैं ओनली बेसिक पे बना रहा हूँ, तो मैं जल्दी जल्दी आपको बताऊँगा कि इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं, और नेक्स्ट वीडियोस में बताऊँगा कि हर एक पार्ट्स में कैसे आप स्कोर इंक्रीज कर सकते हैं, एज वेल एज मैं आपको डेटा भी प्रोवाइड करूँगा जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। एक बात आप ध्यान में रखें कि अगर आप पीटी करना चाहते हो तो एक चीज़ बहुत मैंडेटरी है, एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए कंप्यूटर की। वैसे तो आजकल कंप्यूटर का ज़माना है, हम क्वेट्री कीपैड मोबाइल पे भी यूज़ करते हैं, लैपटॉप पे यूज़ करते हैं, तो बहुत स्टूडेंट्स कम होंगे जो कंप्यूटर की टाइपिंग स्पीड कम होगी उसकी, लेकिन अगर फिर भी आपने कंप्यूटर कम यूज़ किया है तो आपको रोज़ाना कम से कम आधा घंटा टाइपिंग करनी चाहिए कंप्यूटर और लैपटॉप पे, तो कि आपकी स्पीड बन सके, बिकॉज इसमें राइटिंग पार्ट बहुत ज़्यादा है, मींस आपको रीडिंग में भी राइट करना पड़ता है और उसमें लिसनिंग में भी एक पैरा राइट करना पड़ता है, राइटिंग में तो राइट करना ही पड़ता है। तो पीटी जो सबसे ज़्यादा पीटी की इम्पॉर्टेंट और कह सकते हैं एक डिसएडवांटेज है वो ये है कि आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, टाइपिंग स्पीड बढ़ाना कोई भी मुश्किल काम नहीं है, बिकॉज आप रोज का आधा घंटा भी लगाओ, आई थिंक 10 दिन में आपकी टाइपिंग स्पीड मैच कर जाएगी पीटी टेस्ट, जितनी पीटी टेस्ट के लिए चाहिए। तो उसके बाद टाइपिंग स्पीड अगर आपकी अच्छी होगी तो उसके बाद कोई प्रॉब्लम रह नहीं जाती आई थिंक कि आप पीटी टेस्ट क्लियर ना कर सको। मैंने मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जिस स्टूडेंट के 5 और 5.5 से मार्क्स नहीं बढ़ रहे तो 100% 10 और 15 दिन में ही उस स्टूडेंट के पीटी में, जैसे हम बात करें आइल्स के कंपेयर, तो 6 और 6.5 ईजिली आ जाएंगे ईजिली। तो पहले तो ये बात है, मन से ये बात निकाल दो कि ये टेस्ट कोई डिफ़िकल्ट है, ये टेस्ट बहुत ईजी है एज़ कम्पेयर टू आइल्स, बहुत ईजी है। तो एक बार जब आप स्टार्ट करोगे थोड़ा लगेगा कि ये इस टेस्ट को काफ़ी हिस्सों में बांट रखा है, लेकिन जब आप इसकी प्रैक्टिस 4-5 दिन करोगे तो आप समझ जाओगे कि नहीं, ये मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। चलो अब हम बात करते हैं पीटी टेस्ट की। तो पहला पार्ट पीटी का है स्पीकिंग एंड राइटिंग बोलते हैं इसको, मीन्स पहले पार्ट में जब आप टेस्ट देने जाते हो तो स्पीकिंग एंड राइटिंग एक साथ होती है। तो सबसे पहले पर्सनल इंट्रोडक्शन होती है, उसका कोई स्कोर नहीं होता, वैसे आपने इंट्रोड्यूस करना होता है कंप्यूटर को, आपका नाम, आपकी हॉबीज़, आप क्यों टेस्ट करना चाहते हो, वो टाइम बाउंडेशन होती है, टाइम के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट इसका जो होता है रीड अलाउड, इसमें आपको छोटा सा पैरा कंप्यूटर पे होता है उसको अलाउड मींस ऊंची आवाज़ में बोलना होता है कंप्यूटर के सामने में, उसी पैरे को मीन रीड करना होता है, पढ़ना होता है। उसके बाद रिपीट सेंटेंस, ये भी बहुत ईजी है, 10 से 11 सेंटेंस हेडफोन में कंप्यूटर आपको बोलेगा और आपने वही सेंटेंस उसको रिपीट करके देना है, वही सेंटेंस दोबारा बोलना है। नेक्स्ट है डिस्क्राइब इमेज, जिन स्टूडेंट्स ने आइल्स एकेडमी किया हुआ है उनको पता है कि राइटिंग में एकेडमिक आइल्स में होता है डिस्क्राइब इमेज की तरह होता है, तो वो इमेज को डिस्क्राइब करना होता है, लिखना होता है, लेकिन इसमें क्या है कि आपको 6 से 7 इमेजेस आपके सामने होती है तो उसको आपने 40 सेकंड्स के लिए बोलना है। पहले आपको टाइम प्रेपरेशन के लिए भी मिलेगा, उसके बाद उस इमेज के बारे में आपको बोलना है 40 सेकंड्स के लिए। तो ये तो हुआ डिस्क्राइब इमेज। उसके बाद होता है रिटेल लेक्चर। रिटेल लेक्चर में क्या है, एक से डेढ़ मिनट का आपको कंप्यूटर एक लेक्चर सुनाएगा, तो उसके बाद उसने वही लेक्चर आपने अपनी वर्डिंग में रिपीट करना है, आई मीन टू से कि आपने पहले सुनना है, उसको समझना है और उसको बाद में कंप्यूटर को बोल देना है फॉर 40 सेकंड्स, 40 सेकंड्स के लिए ही बोलना है ये भी। इसके बाद आ जाता है स्पीकिंग का लास्ट पार्ट, आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस।
इसमें 10 से 11 क्वेश्चंस होते हैं जो कंप्यूटर आपसे पूछेगा, बहुत इजी होती हैं, जनरल नॉलेज की होती हैं। जिस बच्चे ने, जैसे जो भी बच्चा 10th करके जा रहा है, तो जिसने 10th तक पढ़ाई की हुई है वो उसी बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, लाइक व्हाट इज़ द ओपोजिट ऑफ ईस्ट एंड ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, ईस्ट का ऑपोजिट क्या है, एंड समटाइम्स वो छोटी सी डायग्राम होती है उसमें से भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार। तो मींस बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। हम जैसे एक और क्वेश्चन आया कि ड्राइव करते समय आपको आपके सिर पे चोट ना लगे क्या पहनना चाहिए, जैसे आपको सभी को पता है हेलमेट, लाइक दिस, ऐसे आंसर होते हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। उसके बाद राइटिंग शुरू हो जाती है। इसमें पहला काउंटिंग, जब स्पीकिंग पार्ट एंड होता है तो आप सीधा उसी कंप्यूटर सीधा राइटिंग पे चले जाता है, मींस कोई आपको इंडिकेशन ही होता है कोई राइटिंग स्टार्ट होगी, ऐसा कुछ नहीं। जैसे ही शॉर्ट आंसर्स आपके शॉर्ट क्वेश्चंस खत्म होंगे उसके बाद राइटिंग शुरू हो जाएगी। राइटिंग में क्या है, सबसे पहले होता है समराइज रिटन टेक्स्ट। इसमें क्या है कि आपको 2 से 3 पैराग्राफ होते हैं, 200 वर्ड्स के होते हैं, 200 अप्रॉक्सीमेटली 200 वर्ड्स, उसको आपने छोटा करके अपनी वर्डिंग में लिखना है। उसकी जो लेंथ है और कैसे लिखना है वो भी सभी ट्रिक्स हैं, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, हर एक चीज की ट्रिक्स हैं कि उसको कैसे करना है, अंडरस्टैंड। तो उसके बाद एक ऐसे होता है, ऐसे इसमें एक और बात इजी है ऐसे में कि आपको 99.9% जो इसके पहले ही ऐसे आ चुके हैं, अप्रॉक्सीमेटली 40 ऐसेज हैं, उनमें से ही एक ऐसे आएगा, 99.9। ओके, तो ऐसे भी कोई डिफिकल्ट नहीं है, आप पहले भी प्रैक्टिस कर सकते हो, बिकॉज मैंने 3 बार टेस्ट दिया, मुझे 3 बार ही उसी लिस्ट में से ही ऐसे आया है। तो और भी मैंने बहुत से बात की है, ऑस्ट्रेलिया के टीचर भी हैं जो बहुत टाइम से पीटीई करवा रहे हैं, उनसे भी मैंने बात की। एक बहुत जो बढ़िया बढ़िया पीटीई करवाते हैं जिसको नॉलेज है उनसे मैंने बहुत सीखा है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है कि जो आपको ऐसे आएगा वो भी 30 से 40 ऐसे होंगे, उनमें से ही आएगा। उसके बाद रीडिंग शुरू हो जाती है। रीडिंग में फर्स्ट होता है मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर एज लाइक आयल्स, फिर मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर, उसके बाद री ऑर्डर पैराग्राफ। इसमें क्या होता है कि एक छोटे छोटे पैराग्राफ्स होते हैं 4 से 5, और उसको पढ़ के समझ के उसको री ऑर्डर करना होता है, जैसे पहले ए आएगा, बी आएगा, या सी आएगा, ऐसे री ऑर्डर उसको अरेंज करना होता है। एंड उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स होती है, मीन्स आपने ब्लैंक्स फिल करनी होती है, जैसे क्या इसमें क्या आएगा। तो उसके बाद फिर आ जाए रीडिंग और राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें क्या है कि इसमें ज़्यादा ये ग्रामेटिकली होती है रीडिंग और राइटिंग, ऐसे ब्लैंक्स ही, ये भी ब्लैंक्स होती है, लेकिन इसमें क्या है कि रीडिंग एंड राइटिंग है, मीन्स रीडिंग के साथ साथ आपके राइटिंग में भी मार्क्स कैलकुलेट होते हैं, ये बहुत बढ़िया पार्ट है। स्पीकिंग में भी कुछ जैसे रीड अलाउड है, जब उसको रीड करके उसको दोबारा बोलते हो रीड अलाउड स्पीकिंग में, तो आपके मार्क्स जाएंगे, उसके साथ साथ आपके रीडिंग में भी मार्क्स जाएंगे, बिकॉज आप उसको रीड भी कर रहे हो। तो ऐसा है कि ऐसा होता है कि किसी स्टूडेंट्स का जैसे रीडिंग अच्छी नहीं है तो वो दूसरे जैसे स्पीकिंग में से, अगर स्पीकिंग अच्छी होगी तो कुछ मार्क्स स्पीकिंग में से रीडिंग के चले जाते हैं। तो उसके बाद पार्ट आ जा लास्ट पार्ट आता है लिसनिंग। लिसनिंग, इस लिसनिंग में सबसे पहले समोराइज स्पोकन टेस्ट टेस्ट होता है, लाइक जैसे मैंने आपको बताया स्पीकिंग में होता है, ऐसे ही लिसनिंग में होता है। आपको आप एक पहरा सुनोगे कंप्यूटर से और उसको राइट करना होता है, मींस आपको लिखना होता है वर्ड्स। इसमें लिमिटेशन होती है, टाइम बाउंडेशन होती है, उसकी भी हम आगे जाके बात करेंगे। तो इसमें समोराइज करना होता है, लिसनिंग के साथ साथ इसके जो स्कोर हैं वो राइटिंग में भी कैलकुलेट होते हैं। उसके बाद मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर, आपने मल्टीपल आंसर्स हैं उनमें से आपने एक से ज़्यादा आंसर चूज करने हैं। फिर फिल इन द ब्लैंक्स है, ब्लैंक्स बहुत इजी है, जैसे कंप्यूटर बोलेगा उसके साथ साथ जाना है और नेक्स्ट वर्ड जो भी बोलेगा ब्लैंक आएगी उसमें आपने फिल कर देना है।
तो उसके बाद हाईलाइट करेक्ट समरी मींस 3 से 4 पैराग्राफ हो गए, आपको एक लेक्चर सुनाया जाएगा, आपने जो वो लेक्चर किस पैराग्राफ से ज़्यादा मैच कर रहा है उसको सिलेक्ट करना है, ओके। एंड उसके बाद है सिलेक्ट मिसिंग वर्ड, उसके बाद है मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर, जैसे सुनना है एक आंसर को आपने टिक करना है। उसके बाद है सिलेक्ट मिसिंग वर्ड मींस 4 वर्ड होंगे, सिंपल वर्ड्स होंगे, तो आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाई जाएगी, और उसके बाद जब वो स्टोरी एंड हो जाएगी उसके बाद बीप की आवाज़ आएगी, मींस वो लास्ट वाला जो स्पीकर है वो सेंटेंस पूरा नहीं करेगा, कंप्लीट नहीं करेगा। तो आपने वो ऑप्शन से चूज करना है कि उसमें कौन सा वर्ड अप्रोप्रिएट होगा, कौन सा वर्ड फिट होगा। तो उसके बाद लास्ट है राइट फ्रॉम डिक्टेशन। राइट फ्रॉम डिक्टेशन में क्या है कि आपको एक जैसे हम रिपीट सेंटेंस करते थे स्पीकिंग में, इसमें क्या है कि आपको एक सेंटेंस बोलेगा कंप्यूटर, उसको राइट करना है, 2 से 3 से 4 क्वेश्चन होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो उसको आपने राइट करना है। तो कुछ भी काम मुश्किल नहीं है, तो मीन्स आप पूरी प्रैक्टिस के साथ अगर टेस्ट दोगे तो 100% आपके मार्क्स एज कंपेयर टू आइल्स इंक्रीज हो गए। तो कोई भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, तो अगर आपको कुछ इंटरेस्टिंग लगे तो आप चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे पता चले कि स्टूडेंट सीखना चाहते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियोस अपलोड कर सकूं। थैंक यू वेरी मच, एंड आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू।